हेलो गाइस, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। और बारिश का मौसम आ चुका है, यानी कि बहुत ही तीखा चटपटा खाने का मन करता रहता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्नैक रेसिपीज़, और ये सारी नॉन फ्राइड स्नैक रेसिपीज़ हैं, और आप उनको अलग अलग तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आइए हम फटाफट चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। हमारी पहली रेसिपी है पनीर कुलचा, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल बाज़ार की तरह से बनेगा। और ये रेसिपी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि अगर हम इसे 6-6:30 बजे के आसपास बनाते हैं तो एक ये बढ़िया सा डिनर हो ही जाता है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं पनीर कुलचा एकदम मार्केट स्टाइल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पनीर कुलचा, और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। हम शुरुआत करेंगे फिलिंग बनाने से। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच घी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, और इसको हल्का सा सॉटे करेंगे। इसी में हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे, ये भी एक बड़ी शिमला मिर्च है, इसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इन दोनों को ही हम पकाएंगे लगभग 1-2 मिनट के लिए। और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। नमक में सेंधा यूज़ कर रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। और अब डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी। और इसको हमेशा आप टमाटर के पहले ही डालिए क्योंकि एक ऑयल सॉल्युबल मसाला है, तभी ये कलर छोड़ता है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर चॉप कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं अभी इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। और फाइनली मसाले में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे क्रश करके डालेंगे। ये बिल्कुल बाजार की जो फीलिंग होती है पनीर कुलचे में, वैसा टेस्ट देने वाला है। इसको हम जरा सा पानी डाल के 2 मिनट ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर जो है गल जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल चुका है, और अभी इस मसाले में से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है, और ये देखिए इसका कलर, टेक्सचर सब कुछ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को यहाँ पे मैंने क्यूब्स में काटा है, 300 ग्राम पनीर है। ये देखिए मसाले ने पूरा अच्छी तरह पनीर को कोट कर लिया है। मैंने पनीर को यहाँ पे 2 बार में डाला है ताकि मसाला अच्छे से कोट कर ले पनीर को। और अब मैं यहाँ पे मेयोनीज डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाता है फिलिंग का, और बहुत टेस्टी लगता है। एक्चुअली ये कुलचाज मुझे बना के एक पार्टी में ले जाने थे, इस वजह से मैंने इसमें देगी मिर्च और मेयोनीज वगैरह डाली है। जब मैं घर पे ऐसे ही बनाती हूँ तो उसमें नहीं डालती। और अब हम इस कुलचे को सैंडविच की तरह से फिल कर देंगे। फिलिंग टू द मैक्सिमम एक्सटेंट भरिए, जितना आप अच्छे से भर सके भरिए, क्योंकि तभी इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। देखिए, और बस अब हम इन्हें सेक लेंगे। सेकने के लिए मैंने हल्का सा घी लगाया है। इस पे हम अपना कुलचा पनीर सैंडविच रख देंगे। यहाँ पे मैंने और कुलचे सेक के तैयार कर लिए हैं, इन्हें बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं सेकना है, बस हल्की सी चित्तियाँ आए और आप इन्हें उतार लीजिए। देखिए ऊपर से भी हल्का सा घी लगा देंगे और इन्हें फ्लिप कर देंगे। मेरे सारे कुलचे बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें हाफ हाफ भी कट कर सकते हैं, और इनको आज मैंने 1/4 कट किया है क्योंकि बहुत सारे आइटम हो जाते हैं तो ये हैवी होता है, कोई इतना खा नहीं पाता। तो हमारा बहुत ही इजी स्नैक बनके रेडी है। हमारी अगली स्नैक रेसिपी बहुत ही आसान है, और ये फुल ऑफ प्रोटीन है। ये मूंग दाल से बनी हुई है, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल चाट। और अगर आपने कभी लेट लंच किया है और लग रहा है कुछ डिनर में हल्का होना चाहिए, तो मूंग दाल चाट इज परफेक्ट। आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, बहुत ही वर्सेटाइल रेसिपी है। तो आइए देखते हैं हमें कैसे बनानी है मूंग दाल चाट या छौकी हुई मूंग दाल। मूंग दाल चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें मूंग दाल को भिगो देना है, और इस मूंग दाल को मैंने लगभग 2 घंटे के लिए भिगोया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल ली है, और अब हम इस मूंग दाल को अच्छे से धो लेंगे।
अगर हम इसे रात भर भिगोते हैं तो इसे पकने में और भी कम टाइम लगता है, लेकिन इसको 2 घंटे भिगोना भी सफिशियंट है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। घी में ही इसका ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही जरा सी हींग और जीरा। और अब हम इसमें मूंग दाल डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे ताकि ये खिली खिली बने। और अब डालेंगे इसमें नमक। नमक हमें अंदाजे से डालना है, जो हम इसमें बाद में सैलेड ऐड करेंगे उसके लिए भी। और अब हमें डालना है पानी। इसमें हमारा जो पानी है वो बिल्कुल इसके ऊपर तक होना चाहिए। ये देखिए, पानी का लेवल ये होना चाहिए ताकि दाल अच्छे से डूब जाए और बिल्कुल जरा सा पानी उसके ऊपर हो। और अब हम इसे ढक के ठीक 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। बीच में आप चाहें तो 1-2 बार चेक कर सकते हैं। और 15 मिनट बाद आप देखेंगे दाल बिल्कुल खिली खिली बन गई है। आप चाहें तो आप इस दाल को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, पर ये कढ़ाई में ज्यादा अच्छी बनती है। अब यहाँ पे मैंने सारा सैलेड वाला सामान चॉप करके रखा हुआ है और मैं इसमें से उतनी ही दाल इस्तेमाल कर रही हूँ जितनी मुझे अभी यूज करनी है। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ खीरा या ककड़ी, और ये उबला हुआ आलू है, ये बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही थोड़ी सी हरी धनिया और हरी मिर्च, ये ऑप्शनल है। और इसकी सीजनिंग भी बहुत ही सिंपल है, जिसमें चाट मसाला है और नींबू का रस। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चाट बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी लगती है, काफी हेल्दी भी है। जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो इसे डिनर की तरह भी खा सकते हैं। ये देखिए, हमारी मूंग दाल की चाट कितनी खिली खिली बनी है। और ये बरसात के मौसम में एक चटपटा स्नैक बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारी थर्ड रेसिपी है हांडवो। हांडवो बेसिकली चावल और दाल से बनाया जाता है। इसमें दाल चावल का डिफरेंट डिफरेंट रेशियो होता है, उसे भिगोया जाता है, फिर खमीर उठाया जाता है। ये हांडवो का शॉर्टकट है। यहाँ पे सूजी और बेसन को यूज़ किया है एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ इक्वली गुड। बहुत सारी सब्जियाँ पड़ी हैं इसमें, काफ़ी हेल्दी है। आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, आप इसे बेक करके भी बना सकते हैं। मैंने इसे कढ़ाई में बनाया है और इसके अप्पम भी बनाए हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे हांडवो, एंड इट्स रियली डिलिशियस। तो आइए बनाना शुरू करते हैं हांडवो। हांडवो वैसे दाल चावल का बनाया जाता है, पर आज हम बनाएंगे रवा का हांडवो। इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। आप किसी भी कटोरी या कप से इसे नाप सकते हैं। और जितनी सूजी है उसका ठीक आधा हम बेसन लेंगे। अब डालेंगे इसमें 1 कप दही। दही की जो मात्रा है वो उसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है। साथ ही अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे नमक थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी इसमें हम सब्जियाँ मिलाने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, अगर ज़रूरत लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके भी हम इस बैटर को बना सकते हैं। अभी हमें इसे फूलने के लिए रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। इस बीच में हम सब्जियाँ काट के तैयार कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज, शिमला मिर्च, गाजर काट लिया है, साथ में अदरक भी है और हरी मिर्च भी। अदरक को यहाँ पे मैंने कद्दूकस करके रखा है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हमारी सूजी फूल चुकी है, अब हम इस बैटर में सारी सब्जियाँ मिला देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ उबले हुए कॉर्न भी डाले हैं, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार सब्जियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस बैटर को थोड़ा पतला कर लेंगे, जो हमारा प्रॉपर केक बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही। इसको मैं यहाँ पे टेम्पर कर रही हूँ। थोड़े से घी में मैंने सरसों के दाने डाले हैं और करी पत्ता डाला है, और इसको हम डायरेक्टली बैटर में डाल देंगे। इससे बैटर के अंदर बहुत अच्छा सोंधापन आ जाएगा और फ्लेवर आएगा। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है एक तरफ, और एक तरफ हम इसमें इनो मिला लेंगे। 1 चम्मच इनो मिलाया है,
और इनों मिलाते ही ये बैटर जो है वो फूलने लगेगा, जैसे रवा इडली वगैरह का फूलता है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे तेल और इसमें मैंने थोड़े से मस्टर्ड के दाने यानी सरसों के दाने डाले हुए हैं, साथ ही एक दो करी पत्ते। और अब जब तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसे सिम करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हांडवो का बैटर। थोड़ा सा बैटर मैंने बचाया है, वो भी मैं आगे दिखाती हूँ। अब हम इसे ढक के कम से कम 12 से 15 मिनट पकाएंगे एक तरफ से। और अब हम इसके अप्पम बनाने वाले हैं। अप्पम थोड़ा जल्दी बन जाते हैं इसीलिए मैंने थोड़ा सा बैटर बचा लिया था और अब हम इसके अप्पम बनाएंगे। कैविटीज में हमने घी डाल दिया है, राई के दाने डाल दिए हैं और इसमें हम ये हांडवो का बैटर डाल देंगे और इसे कवर करके हम पकाएंगे। अप्पम जो है ये हांडवो से काफी जल्दी बनते हैं, विद इन 2 मिनट्स आप देखेंगे कि ऊपर से हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे और पलट देंगे। ये देखिए, अब मुश्किल से 1 से 2 मिनट हम इस तरफ से पकाएंगे और हमारे अप्पम तो तैयार हो ही गए हैं। साथ में आइए हांडवो को भी अब पलट लेते हैं। वाओ, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम क्रिस्पी हो गया है ऊपर से। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे इसमें, ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है नाइफ, मतलब अंदर से भी हांडवो जो है अच्छी तरह पक गया है। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ इसे, ये देखिए। और अब हम इसे कट कर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल गरम गरम ही सर्व करना है, बहुत अच्छा लगता है, खास करके शाम की चाय के साथ तो इसके क्या कहने। और हमारा हांडवो बनके तैयार है, इसको आज मैं सर्व कर रही हूँ अपनी हरी आम की चटनी के साथ। So guys, अब हम आ गए हैं अपनी 4th रेसिपी पे जो कि बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ लाई का पोहा। हाँ जी, लाई का पोहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये रेसिपी शायद मैंने आज से 15-20 साल पहले खाई थी और आज भी मुझे याद है और बहुत अच्छी लगती है। आजकल फिर से नया ट्रेंड में आई है ये। तो आइए बनाते हैं लाई का पोहा बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए बनाते हैं मुरमुरा पोहा या मुरमुरे का पोहा। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए मुरमुरा या पफ राइस। यहाँ पे मैंने 2 कप पफ राइस लिया है। इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। देखिए, भिगोना बिल्कुल नहीं है क्योंकि भीगते ही ये बिल्कुल लेई जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फाइनली इसे एक बार और धो रही हूँ और इसमें से हम सारा जो एक्सेस वाटर है वो निकाल देंगे। इसे हल्के से हाथ से धोएंगे और आप देखेंगे कि ये मुलायम हो रहा है। अब हम कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, जरा से सरसों के दाने या राई के दाने, साथ ही थोड़ा सा करी पत्ता और इसको हम सॉटे कर लेंगे जब तक कि हमारे जो सरसों के दाने हैं वो चिटकने ना लगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हमें थोड़ा ही पकाना है, जब ये बिल्कुल हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। ज़रा सा सॉटे करेंगे और टमाटर को हल्का गलने तक हम पकाएंगे। अब हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं जिसमें है नमक, लाल मिर्च और बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। हम मसालों को 1-2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। अब मैं इसमें उबला आलू डाल रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है लाई के साथ में, और इसे भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपने भीगे हुए मुरमुरे और उबले हुए कॉर्न और मटर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है, सीजन में है तो आप डालिए। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिलाते हुए 1-2 मिनट ऐसे ही भूनेंगे ताकि जो हमारा मुरमुरा है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए कितना कलरफुल और टेस्टी अभी से लगने लगा है ये, और इतना चटपटा होता है, बरसात में बहुत अच्छा लगता है। फाइनली अब इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू, बिल्कुल जरा सा नींबू का रस डाला है, और ये कुछ मूंगफलियां मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखी हुई है वो भी डाल देंगे और इसे मिक्स करके फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस चटपटा है और बरसात में तो बहुत ही अच्छा लगता है।
और ये सिर्फ 2 चम्मच घी में बना है, तो ये परफेक्ट स्नैक है, एकदम लाइट एंड हेल्दी। सो गाइस, ये थी मेरी चारों स्नैक की रेसिपी एंड आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आप और क्या देखना चाहते हैं। जो भी कंपाइलेशंस आएंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपने इसमें से क्या ट्राई किया, कैसा लगा। और तब तक के लिए देखते रहिए फूड फॉर फूडीज़। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। टाटा।